मॉर्निंग दोस्तों, और क्या हाल है? सब बढ़िया। आज मैं एक फिर नई वीडियो लेके आया हूँ यूट्यूब के जरिए से, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और समझें कि कार चलाना कैसे अच्छे से अच्छा सीखा जा सकता है, बहुत अच्छे तरीके से मतलब आना चाहिए। और आज हमारे साथ में एक क्लाइंट हैं जो कि बहुत ही अच्छी ड्राइविंग कर रहे हैं। जुबेर जी, आपका क्या नाम है? हेलो, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज अंकित तिवारी जी। हम लखनऊ से ही हैं जी। और हमने कितने देश हो गए कार चलाते हुए जी? अभी तो हमें 5वां दिन है आज जी। और कैसी कार ड्राइव कर रहे हैं जी? जी आप अभी सिखा तो बढ़िया रहे हैं जी, और हम भी सही कर रहे हैं जी। आप यहाँ से लेफ्ट ले लीजिए। आप हमसे पूरी तरह से सर्टिफाइड हैं? बिल्कुल, पूरे 5 स्टार देते हैं आप। वेरी गुड, थैंक यू। तो दोस्तों, आपको कार चलानी सीखनी है तो आप कुछ भी मतलब हमसे यूट्यूब के जरिए से मतलब आप हमें हमसे कुछ भी कमेंट में पूछ सकते हैं, कुछ भी नॉलेज ले सकते हैं। और छोटी छोटी गलियों में कैसे कार, जब भी हम कहीं पे कार टर्न करते हैं तो वहाँ पे हमें क्लच और ब्रेक का ज़रूर यूज़ करना होता है, क्योंकि क्लच यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपकी कार बंद नहीं होगी, और ब्रेक यूज़ करेंगे तो हमारी जो कार है वो स्लो होती है। इन सब चीज़ों को ज़्यादातर ध्यान रखना चाहिए। और बट एक्सीलेटर वहीं पे छोड़ देना चाहिए, मतलब टर्न आने के पहले अपनी स्पीड को ध्यान रखते हुए। जैसे कि देखिए, इधर भी कट है, इधर भी कट है, लेफ्ट राइट का है दोनों। ये देखिए भैया, ये 1 हैंड से कार चला रहे हैं 5 डेज में आज। और कुछ लोग करते क्या है टर्न के समय पे, ऐसा करते हैं कि मतलब इतना ब्रेक ले लेते हैं, फिर इतना एक्सीलेटर ले लेते हैं ब्रेक की जगह एक्सीलेटर, तो बहुत ही गड़बड़ कर देते हैं। उनको फॉर एक्सीलेटर बिफोर ब्रेक बिफोर क्लच उनको याद रखना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब आना चाहिए, जो बहुत काम आता है वो सब चीज़ें। और ये भैया जी अभी भी थोड़ा कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, आप हॉर्न नहीं देते हैं हर टर्न पे भैया, क्योंकि हर टर्न पे हॉर्न भी देना ज़रूरी होता है। ओके भैया जी, और फिर भी मतलब आप बहुत ही अच्छा चला रहे हैं, क्योंकि आज 5 डेज से मतलब कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं अभी आपको कार चलाते हुए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।